हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बोले तो जय भोलेनाथ सबका साथ। तो गांव पे है, घर पे, और सुबह होता है इन्हीं लोगों के साथ हमारा। तो सुबह जब होता है हमारा, बाहर निकलते हैं तो यही लोग नजर आता है। पीछे देख लीजिए, इसका अलग एक्सरसाइज चलते रहता है सुबह में। एक और पीछे है, वहाँ बैठी हुई है, उसको भी देख लीजिए। तो आज सबसे पहले चलते हैं, आज गोपालगंज जाने वाले, क्योंकि मेरा बाइक फिर से खराब हो गया है, उसका डिस्पैट काम नहीं कर रहा है। तो डिस्पैट लाते हैं, फिर बाइक बनवाते हैं, उसका सिवान जाएंगे, यानी गोपालगंज सिवान। आज हर जगह टूर होने वाला है, क्योंकि भैया आने वाला है आज, तो उसको भी लाने चलना है सिवान। इसका नाम है गौरी, देखिए कितनी प्यारी है, गौरी गौरी। और वहाँ एक बैठी हुई है संध्या। संध्या गोपालगंज चलना है, एकदम हमेशा तैयार रहती है। क्या सीन है, क्या सीन है? जिस दिन हम कहीं जाने वाले रहते हैं, उस दिन सबसे पहले कोहरा गिरता है। देखिए अभी धूप निकल रहा है, 9:30 हो रहा है अभी, अभी जाके धूप निकल रहा है। यानी सुबह से बहुत ज्यादा कोहरा था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। ये देखिए यहाँ कितने सारे फूल लगा के रखे हैं, एक वो, ये तो सबके यहाँ होता है, आप लोग क्या भी होगा ये वाला, और फिर से ये वाला। यहाँ देखो पूरा बांस रखा हुआ है, क्योंकि हमारा ईंट का खेती होता है ना, तो उसमें यूज होता है ये सब। हाँ देखो ये सब मशीनें हैं उसकी। आम का पेड़ मैं जब से देख रहा हूँ इतना ही बड़ा है, बढ़ता नहीं है बस। इधर भी लगा रखा है ये वाला। भी देखिए कितना छोटा है, अब ये बताइए ये कितना बड़ा होगा। इससे ज्यादा तो ये बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका पेड़ ही बड़ा नहीं है, तो ये गोभी क्या बड़ा होगा, इतना छोटा छोटा, पता नहीं क्यों। यहाँ वाला तो बड़ा बड़ा होगा, इसमें कुछ बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें भी बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए है, मेरे बाइक को पूरा खोल दिया गया, देखिए पीछे कुछ नहीं है, चक्का उक्का सब खुला गया, ताकि अच्छे से सर्विस हो सके। तो ये बाइक सर्विस होके आ गया है, एकदम देख लीजिए चमक रहा है। और यहाँ मोबाइल होल्डर भी लगवा दिए हैं, क्योंकि मोबाइल होल्डर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, दिक्कत हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब बस LED लाइट लगवाना है, देखता हूँ वो अगर अच्छा मिलेगा तो वो भी लगवा दूंगा। अब निकलते हैं भैया को लाने के लिए सिवान से, क्योंकि वो आ रहा है, सिवान से ही गया था और सिवान से ही वापस आ रहा है, यानी ट्रेन सिवान ही स्टेशन पे आएगी। तो अभी निकलते हैं, लेकिन गाड़ी पूरा गर्म हो गया है, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, तो हम बाहर लगा दिए थे कि हीटर नहीं चलाना पड़ेगा, तो धूप बहुत ज्यादा निकला हुआ है। देखिए सीट पे भी दिख रहा है धूप, तो एकदम गर्म हो गया, अभी AC चलाना पड़ेगा, और AC चलेगा तो खांसी, समझ रहे ना, पकड़ लेगा। ऐसे भी सर्दी जुकाम जो था मेरा, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो टाटा के गाड़ी का जो धजिया उड़ाया है ये लोग, अंदर में पता है क्या है, हांडी रखा हुआ है, हांडी। अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारी गाड़ी ओवरटेक करता है तो। ये देखिए सामने हांडी रखा हुआ है पीछे में। और उसमें भी हांडी में कपड़ा रखा हुआ है भाई, कपड़ा ही है ना। खतरनाक सीन है भाई टाटा वालों। तो अभी आ गए हैं सिवान जंक्शन पे, पूरा भयानक वाला भीड़ है यहाँ पे, भैया का वेट कर रहे हैं। वो कब ट्रेन आता है, किस प्लेटफॉर्म पे, तब पता चलेगा, क्योंकि पिन पे हम लोग छोड़ने आए थे तो साइड वाले प्लेटफॉर्म पे आया था, तो इस पे देखते हैं किस पे आता है। अभी कॉल भी नहीं किए हैं, कॉल करके बात करते हैं, फिर चलेंगे उस वाले प्लेटफॉर्म पे। तो अभी चिप्स का माहौल चल रहा है यहाँ पे, वो भी येल्लो वाला। चिप्स का कोई आइडिया नहीं है हमको, आप लोग तो देखे ही, हमको चिप्स कभी खाते नहीं है बहुत कम, लेकिन मनीर को पता है। बिहार में नमूनों की कमी नहीं है। यहाँ देखिए ये सीढ़ी ऊपर आने वाला है, लोग इससे उतर रहे हैं, जबकि लेफ्ट साइड में इसके सीढ़ी है उतरने वाला। आप
सामने एक लगी हुई है ट्रेन के इंजन, क्या मस्त कलर किया हुआ है भाई इसका, एकदम बवाल वाला। अभी एकदम जस्ट कलर ही करके आइए, आगे पूरा तिरंगा लगा हुआ है। हम लोग स्टेशन पे वेट कर रहे हैं और भैया को देखिए डायरेक्ट गाड़ी के पास मिल रहा है। पीछे रख दे, पीछे हेलमेट आ गया। तो अभी रुके हुए हैं यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए क्योंकि गाड़ी का भी फ्यूल खत्म है। तो यहाँ से निकलते हैं तो सीधे गांव में मिलते हैं आपसे घर पे। संध्या है बहुत दिन पर मुलाकात भइल बा। संध्या तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।